जो औरत अपने सिंदूर के डिब्बे में ये एक चीज रख लेती है उसके पति की जेब कभी खाली नहीं होती। जय सियाराम, जय हनुमान, जय जय बागेश्वर धाम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? स्पिरिट ऑफ इंडिया चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप एक विवाहित महिला हैं और अपने पति की सलामती चाहती हैं, तो बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार के सिंदूर से जुड़े हुए उपाय वाली ये वीडियो गलती से भी स्किप ना करें, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ विशेष गलतियां कर देती हैं, उनका दुर्भाग्य उनका पीछा कभी नहीं छोड़ता। साथ ही अगर महिलाएं सिंदूर में ये एक चीज रख लेती हैं, तो उनके पति की जेब कभी भी खाली नहीं होती और उनका सौभाग्य हमेशा बना रहता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं बागेश्वर धाम के गुरुजी के बताए हुए सिंदूर से जुड़े हुए नियम, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज कहते हैं कि सनातन धर्म में जिन 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है, उसमें विवाह संस्कार व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जिन महिलाओं का विवाह हो जाता है, उनके लिए उनका सिंदूर उनके पति की आयु से जुड़ा हुआ होता है। तो सिंदूर से जुड़े हुए कई नियम शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनका पालन हर महिला को करना चाहिए। जैसे कि गुरुजी ने बताया है कि अगर आप विवाहित महिला हैं, तो आपको हमेशा सिंदूर अपनी मांग के बीच में ही लगाना चाहिए। इससे आपके पति की उम्र ना केवल लंबी होती है, बल्कि उन्हें समाज में मान सम्मान भी मिलता है। साथ ही महिलाओं को अक्सर एक दूसरे की वस्तुएं इस्तेमाल करने की आदत होती है, तो अगर आप किसी भी दूसरी महिला का सिंदूर या फिर कुमकुम मांगकर लगाती हैं, या किसी और महिला को अपना सिंदूर इस्तेमाल करने के लिए देती हैं, तो ऐसा करने से आप खुद अपने पति की उम्र को कम कर रही हैं। इसीलिए महिलाओं को हमेशा अपने अपने पति के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर ही इस्तेमाल करना चाहिए, और कभी भी किसी दूसरी महिला से उधार लिया हुआ या उपहार में मिला हुआ सिंदूर नहीं लगाना। इसी के साथ गुरुजी कहते हैं कि महिलाएं जल्दबाजी में नहाने के तुरंत बाद ही गीले बालों में सिंदूर लगा लेती हैं, लेकिन अगर आप भी ऐसा करती हैं, तो आपके बालों में सिंदूर फैल सकता है, जिससे ना केवल आपके सिर में दर्द होने लगेगा, बल्कि इससे आपके परिवार पर भी आर्थिक संकट आ सकता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। साथ ही ऐसी सिंदूर से आपके मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं और आपके पति के बीच में मनमुटाव भी हो सकता है। साथ ही महिलाएं फैशन के दौर में अपनी मांग के सिंदूर को बालों से छुपा लेती हैं, तो ऐसा करने से आपके पति आपसे धीरे धीरे दूर हो सकते हैं और उन्हें समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं को कहा है कि जो महिलाएं अपने सिंदूर में ये एक चीज डालकर रखती हैं, उनके घर में धन दौलत हमेशा बनी रहती है। गुरुजी कहते हैं कि वास्तु शास्त्र में कौड़ी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, तो अगर आप अपने सिंदूर को चांदी की डिब्बी में रखती हैं और इसके अंदर शुक्रवार वाले दिन एक कौड़ी रख लेती हैं, तो ऐसा करने से ना केवल आपके पति की आयु लंबी होती है, बल्कि आपके पति की जेब कभी भी खाली नहीं रहती। साथ ही अगर सिंदूर लगाते समय आपका सिंदूर नाक पर गिर जाता है, तो आपका पति आपसे प्रेम करने वाला होता है। इसी के साथ गुरुजी ने ये भी कहा है कि महिलाओं को हर रोज अपनी मांग भरनी चाहिए। साथ ही किसी भी तीज त्योहार वाले दिन करवा चौथ और गणगौर जैसे त्योहार पर महिलाओं को अपनी मांग को जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा लंबी भरना चाहिए और अपने पति से भरवाना चाहिए। ऐसा करने से ना केवल माता लक्ष्मी और नारायण उनके भाग्य में वृद्धि करते हैं, बल्कि उनके पति की उम्र लंबी कर देते हैं और खुद माता लक्ष्मी ऐसी स्त्रियों को धनवान बनने का वरदान देती है और माता पार्वती उनके सुहाग को अमर रखती है। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के बताए हुए सिंदूर से जुड़े हुए वो नियम, जिन्हें अपनाकर आप अपने पति की तरक्की में उनका साथ दे सकती हैं और उनकी उम्र बढ़ा सकती हैं। उम्मीद करते हैं आपको गुरुजी के बताए हुए ये नियम जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की जानकारी सभी लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को पूरी जानकारी देना है, ना कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो।